ओ हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैमरा का ऑन था मुझे पता नहीं चला। तो वेलकम बैक टू दी चैनल। होपफुली आप सब अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। और घरों से बाहर मत निकलना यार, ठीक है? कोविड बहुत फैल रहा है और निकल भी रहे जो लोग ज़रूरी काम से, वो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और मास्क लगा के, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह, जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस है सब लेके चले अपने साथ। और अपने जो, मेरा भी गला खराब हो रहा है, अपने जो घर वाले हैं उनको सेफ रखें। ये सब हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि इस पैंडमिक में हम अपने घर को सेफ करें और जो बाहर लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको भी हम ज़रूरी चीज़ें पहुँचाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप देख ही चुके हो, तो राइडिंग गियर्स के ऊपर होने वाली पूरी वीडियो। तो उस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो लोग लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं, स्पीति ट्रिप करना चाहते हैं, भूटान, नेपाल, मतलब जो लॉन्ग राइड्स करते हैं हफ्ते हफ्ते, दो दो हफ्ते की, एक एक महीने की, तो उनके लिए ये सब जो बेसिक राइडिंग गियर्स होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आपके बजट के अंदर इजीली आ सकता है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए, एंड चैनल पे अगर आप नए आए तो उसको सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके तो गाइस सबसे पहले क्या आता है, आप सबको पता है हम बाइक चलाते हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्शन कहाँ पर चाहिए होती है? हेड प्रोटेक्शन। तो हेड प्रोटेक्शन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं सभी को, जो ट्रिप नहीं करते, जो घूमते फिरते नहीं है, जो रेगुलर कम्यूट भी करते हैं, तो उनको भी मैं हेलमेट बोलूँगा कि हेलमेट पहन के चला करो यार, अपनी सेफ्टी है अपने हाथों में होती है। ओके तो येलो हेलमेट है, येलो हेलमेट थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बेस्ट बजटेड ट्रिप के लिए तो येलो हेलमेट आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 5000 के रेंज में आता है। मैंने जो हेलमेट यूज़ किया था स्पीति वैली में, स्पीति वैली जब मैं ट्रिप पे गया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके ऊपर प्ले लिस्ट आ रही है आई बटन में, इधर इधर आ रही होगी, तो आप वो पूरी प्ले लिस्ट देखिए स्पीति वैली की। उसके अंदर मैंने जो चीज़ें यूज़ कर रखी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो ये हेलमेट मैंने यूज़ नहीं किया था, ये हेलमेट अभी परचेज़ किया है मैंने। तो वो हेलमेट मेरा स्टड्स का था, तो वो जो हेलमेट था वो मेरा स्टड्स का हेलमेट था, स्टड्स का हेलमेट था वो, स्टड्स थंडर सीरीज था। उसका नीचे मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं कुछ, ये फ़ोटोज़ आ रही है। तो ये फ़ोटोज़ जो है ये मैंने स्पीति वैली में यूज़ किया था हेलमेट, तो काफ़ी अच्छा चला था और ये हेलमेट मेरा 1600 की रेंज में आ चुका था। तो हेलमेट के अंदर सारी प्रोटेक्शन थी, शेल क्वालिटी अच्छी थी और अंदर ब्रीदिंग एयर भी जो होती है सब चीज़ें कॉमन थी, नॉर्मल थी। और तो ये हेलमेट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। तो बात करते हैं अब इनकी, ये क्या है? तो गाइस ये है आपके एल्बो और नी प्रोटेक्टर। सबसे ज़रूरत पड़ती है आपको एल्बो प्रोटेक्टर और नी प्रोटेक्टर। तो नी प्रोटेक्टर की आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जब बाइक, अगर कभी कभार बाई चांस खुदा ना खास्ता बाइक आपकी गिर जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका, जो इम्पैक्ट पड़ता है आपका, वो पड़ता है नी पे और घुटनों पे। तो इनकी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये जो है, तो गाइज ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें, ये है नी प्रोटेक्टर, ये है नी प्रोटेक्टर और ये है एल्बो प्रोटेक्टर। तो दोनों आप देख सकते हो, इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो। तो ये मैंने यूज़ किए थे स्पीति राइड में, ये तो यूज़ नहीं किया था क्योंकि बस राइडिंग जैकेट आ चुकी थी तब तक मेरा। ये मैंने यूज़ किया था अपना और मेरे बहुत काम भी आया था, एक जगह मैं गिरा भी था जैसे कि अभी फोटो देख रहे हो, तो यहाँ मेरे बहुत काम आया था, मेरे चोट नहीं लगी थी बिल्कुल। और नीचे मैंने बूट्स पहन रखे थे तो उस वजह से मैं, पैर मेरा बच गया था, नहीं तो पहाड़ों में चोट लगती है आपको पता है कितनी ज़्यादा लगती है जो लोग राइड करते हैं। तो गाइस ये बहुत अच्छी क्वालिटी है प्रो बाइकर के है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ है जो कि राइडर्स यूज़ करते हैं, एक बेसिक राइडर यूज़ करता है। लॉन्ग ट्रिप पे भी चलते हैं अच्छे और शॉर्ट ट्रिप पे भी चलते हैं अच्छे, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ये चीज़। तो ये आपके 700 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको परचेस करना है अमेजोन से। तो अब बात करते हैं गाइस राइडिंग जैकेट की। तो अगर आप राइडिंग जैकेट परचेस नहीं कर सकते, अगर आपका इस वक्त बजट नहीं बन रहा है लेकिन हाँ घूमने का बजट बन चुका है, तो आपके पास एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंड है, आप एक ऐसी जैकेट ले लीजिए, नॉर्मल सी जैकेट है ये, तो ये आपका बारिश में भी काम करेगी और इसके अंदर एक चेन भी है जो वाटरप्रूफ है, नॉर्मल जैकेट है ये। तो आप इसको पहन के, इसके अंदर राइडिंग एल्बो नी गार्ड लगा के आप आराम से अपनी बाइक चला सकते हैं और इसमें आपको हवा भी नहीं लगती ज़्यादा। तो मतलब ठंड, ठंड के लिए तो देखो अंदर आपको वार्मर पहनना पड़ता है, स्वेटर वेटर पहनने पड़ते हैं, 2-3 लेयर पहननी पड़ती है, उसके बाद ही आपकी ठंड रुक सकती है पहाड़ों में एक्सट्रीम जब जाते हैं अब विंटर्स के टाइम। तो सबसे बेस्ट है आप अपना ये
एल्बो गार्ड पहनिए एल्बो की जगह पे, और उसके ऊपर जैकेट पहन लीजिए, तो आपको प्रॉपर राइडिंग गियर वाली ऐसे राइडिंग जैकेट वाली फीलिंग आएगी कि आपने पूरी राइडिंग जैकेट पहन रखी है और आप हवा से और ठंड से और सेफ्टी वाइज भी आप बच सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपकी हेड प्रोटेक्शन और अपर प्रोटेक्शन की। अब बात करते हैं ग्लव्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रो बाइकर के ग्लव्स है, और प्रो बाइकर बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मार्केट में चलते रहता है, इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ तो आप समझो कि प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये ब्रांड मैंने खुद यूज़ किया है, लॉन्ग टर्म तो यूज़ किया है इसको, 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ग्लव्स है ये और बहुत ड्यूरेबल है, एंड इनको आप जब भी यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो प्रोटेक्शन में देखें तो प्रोटेक्शन में यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, इधर आपको नकल गार्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है, ऊपर ही प्रोटेक्शन मिल जाती है, और इसकी ग्रिपिंग पावर बहुत ही अच्छी है बाइक चलाते हुए, स्कूटी बाइक चलाते हुए। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ये वाले ग्लव्स, ये आपके बजट में ग्लव्स है, 300 रुपये की रेंज में आ जाते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर एक्सट्रीम आप विंटर में जा रहे हो, एक्सट्रीम लद्दाख कर रहे हो, एक्सट्रीम स्पीति कर रहे हो, मैंने जो स्पीति किया था मेरे पास विंटर ग्लव्स थे अलग वाले, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिएगा। तो गाइस ये जो ग्लव्स है ये बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर आप वार्मर पहन सकते हो, एक वार्मर की लेयर आ जाती है फिर एक ग्लव्स आ जाते हैं, तो ये एग्जैक्टली विंटर ग्लव्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि आपको सस्ते विंटर ग्लव्स मिल सकते हैं। तो गाइज ये सब तो बात हो गई है अपर गियर्स की, अब बात करते हैं कुछ नीचे के गियर्स की। नीचे के गियर्स में आपको चाहिए होता है नी गार्ड मैं आपको दिखा चुका हूँ, और एक अच्छी राइडिंग पैंट, एग्जैक्टली राइडिंग पैंट आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, राइडिंग पैंट एक नॉर्मल राइडिंग पैंट आती है, 8 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है नॉर्मल राइडिंग पैंट। तो अगर आप राइडिंग पैंट अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे पास ये राइडिंग पैंट नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे लेना वो वर्थ इट नहीं लगता इतना, बट फिर भी राइडिंग पैंट होनी चाहिए, एक सेफ्टी के लिए होनी चाहिए, अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड में राइड कर रहे हो तो। तो मेरे पास एक जुगाड़ है राइडिंग पैंट का, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ वेट, राइडिंग पैंट तो नहीं बट यस, मेरे पास एक वाटरप्रूफ लोअर है, ये वाटरप्रूफ है कम्प्लीटली टॉप टू बॉटम, और इसमें वाटरप्रूफ चेन भी है इस साइड पे, तो ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था, डीकैथलॉन में आपको ये 750 रुपये का मिल जाता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा जुगाड़ है, इसके अंदर आप ये नी गार्ड पहनिए, नीचे की साइड पे नी गार्ड पहनिए और अपना इसके ऊपर राइडिंग पैंट पहन लीजिए। तो बेसिकली होगा क्या, आपके पास एक जीन्स होगी जो आपने पहन रखी है, उसके ऊपर एक नी गार्ड पहन रखा है आपने, और उसके ऊपर आपने एक अपना वाटरप्रूफ लोअर पहन रखा है, उससे क्या होगा कि आपको एक हवा भी नहीं लगती, ठंडी हवा जो लगती है वो भी नहीं लगती, कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ना आपको ठंडी हवा लगेगी और आप पूरे सिक्योर फील करोगे राइड करते वक्त। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद से यूज़ करी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जो भी लोग राइडर्स हो और लॉन्ग राइड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो ये वीडियो, और इसको आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो राइडर्स कम्युनिटी है उनके साथ। तो गाइस आप बात करते हैं शूज़ की, तो नीचे आपको कैसे शूज़ पहनने चाहिए, कैसे बिल्ड क्वालिटी के शूज़ पहनने चाहिए, बूट्स पहनने चाहिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो मेरा ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप राइडिंग बूट्स या जो ओराजो आता है या जो राइडिंग बूट्स आते हैं महंगे वाले 8-8, 9-9 हज़ार के, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का शूज़ परचेज करिए, जिससे कि आपको राइड करते वक्त आपका पंजा अच्छा बैठे रहे बाइक के ऊपर, मतलब गियर शिफ्टिंग के तो ब्रेकिंग के वक्त, और जब आप नीचे पैर रखो, क्योंकि पहाड़ों पर आप ड्राइव राइड करते हो तो उस टाइम पे आपको आपकी ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए नीचे ज़मीन पे, जब आप बाइक को बैलेंस करते हो, तो उसके लिए आपको एक नीचे अच्छे सोल अच्छा होना चाहिए जूते का, और उसके ऊपर मतलब थोड़ा स्वेटिंग फ्री होना चाहिए शूज़। तो मैंने जो यूज़ किए थे शूज़, तो मैंने ये वाले शूज़ यूज़ किए थे, तो इन शूज़ से मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मैं आराम से राइड कर सका, और इसके ऊपर मैंने वाटरप्रूफ कवर ले लिया था शूज़ का, जो कि ये रहा, तो ये वाटरप्रूफ कवर है शूज़ का, जो कि आपको घुटनों से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो गंदगी होती है शूज़ में, और मतलब ठंड से, मेन चीज़ है ठंड से बचना और चोट लगने से बचना, तो उसमें क्या होता है कि आपको चोट से बचा लेते हैं, चोट से ऐसा तो नहीं बचा सकते आपको हाई क्रैश में, बट ये है कि हल्का हल्का आप गिरते हो तो ये बचा लेते हैं। तो गाइज ये तो बात हो गई राइडिंग गियर्स की, टॉप टू बॉटम, हेलमेट, राइडिंग जैकेट, एल्बो गार्ड नी गार्ड एंड राइडिंग पैंट, मतलब वाटरप्रूफ पैंट, राइडिंग शूज़, कॉमन राइडिंग शूज़,
तो ये बात हो गई इन सब की। तो अब बात करते हैं लगेज की, कि आप लगेज अपना कैरी कैसे करो। अगर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो, जैसे कि मैं एक हफ्ते के लिए गया था, तो मैं अपना लगेज किस चीज़ में कैरी किया था और कैसे कैरी किया था। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपके पास बजट नहीं है, मेनली ये बजट फ्रेंडली वीडियो है, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिसमें आप कम बजट के अंदर अपना काम कर सकते हो, अपनी राइड करके आ सकते हो इजीली विदाउट एनी हैसल। तो मैंने अपना एक ट्रैवलिंग बैग लिया था, ये ट्रैवलिंग बैग मैंने ये सोच के लिया था कि मैं जब ट्रैकिंग भी करता हूँ और राइडिंग भी करता हूँ तो उस टाइम पर दोनों में काम आ जाएगा। और ये वाकई में बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि यहाँ पर पीछा देख रहे हो स्ट्रिप्स भी है। तो ये जो बैग है, ये बैग मैंने लिया था 1200 के अराउंड का, सस्ता अच्छा टिकाऊ। और भी अच्छे बैग्स आते हैं, 2000 रुपये के भी आते हैं, आप ले सकते हो कोएचा का भी, डीकैथलॉन से। तो मेरे पास उस टाइम इतना बजट नहीं था, बट यस ये जो बैग मैंने लिया, मैं इससे खुश हूँ। और इस बैग के अंदर बहुत सारी पॉकेट्स है जो कि काम आती है। तो इस बैग को मैंने पीछे की तरफ लगा लिया था बाइक की तरफ, और ये मैंने पूरा इतना भर लिया था टॉप तक। फिर इसको मैंने बंजी कॉर्ड से रैप किया, लेकिन उससे पहले मैंने इसको मोम जामे से कवर किया था। मोम जामा अगर आप सबको नहीं पता हो तो एक वाटर प्रूफ पन्नी होती है जो कि इस तरह की दिखती है। तो आप इससे रैप करके आप उसको बंजी कॉर्ड से बांध सकते हैं आराम से। और अगर आप अच्छे से टाई करेंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा टाई करने का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाइक चलाते हुए, ऑफ रोडिंग करते हुए भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, बट अब मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है अच्छी तरह से। तो ये जो पन्नी है, ये मतलब बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि पहाड़ों पे आप जाते हो तो पहाड़ों पे आपको पता है कि बारिश कभी भी हो, कहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए सबसे बेटर है कि आप अपना पूरा वाटरप्रूफ, खुद को वाटरप्रूफ करके चलो और अपने लगेज को भी वाटरप्रूफ करके चलो। तो ये जो मोम जामा है बहुत काम आता है। तो बंजी कॉर्ड्स बहुत ज़रूरी होती है जिससे कि सामान को अपने टाई कर सकते हो अच्छे से। और अगर हो सके तो एक्स्ट्रा लेके चला करो अपने साथ, क्योंकि एक्स्ट्रा में क्या होता है, आपको कोई सामान एक्स्ट्रा बांधना है तो आप उसको भी बांध सकते हो बाइक के ऊपर, ताकि आप अकेले हो या फिर किसी के साथ भी हो तो उसके भी काम आ सकती है। तो एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड्स आपको लेके चलनी चाहिए हमेशा, मेरा ये प्रेफरेंस है। अगर आपने मेरी स्पीति राइड की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में बटन आ रहा है, तो जा करके ज़रूर देखिए। बस ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने यूज़ करी थी अपनी स्पीति राइड पे, तो मैंने सोचा आपसे क्या एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपना मैं। अगर आप और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, इन डेप्थ वीडियो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मेरे को थोड़ा आइडिया मिले और मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आ सकूँ एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके। तो गाइज वीडियो कैसी लगी इस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपनी क्वेरीज या फिर अपने कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से और आप सबकी क्वेरी सॉल्व करके मेरे को ये लगता है कि हाँ, मैंने ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव बनी है और आप लोगों के काम भी आ रही है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको लाइक करिए, एंड चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राइडिंग एक्सेसरीज में भी अगर आपको थोड़ा अपर लेवल यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।